हरियाणा जित दूध दही का खाना, दूध दही ही नहीं यहाँ की कई चीजें बेहद मशहूर है। जी हाँ, स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज में और आप देख रहे हैं हमारे खास पेशकश कितना बदला चुनावी समीकरण और आपके साथ मैं हूँ साक्षी शर्मा। जैसे हरियाणा का हुक्का, हरियाणा की रागणी कुश्ती, आज हरियाणा खेल प्रदेश के नाम से बेहद मशहूर है। कोई भी ऐसी प्रतियोगिता नहीं जहाँ से मेडल हरियाणा के खिलाड़ी ना लाते हों, सूरजकुंड का मेला वगैरह वगैरह, लेकिन इन सब से ज्यादा फेमस है यहाँ की राजनीति जिसने देश को कई बड़े राजनेता दिए हैं और हरियाणा को राजनीति के मामले में अग्रणी राज्यों में जगह दिलाई है। अब सवाल यह है कि 53 सालों में कितना बदला हरियाणा का सियासी समीकरण, चूंकि 2019 चुनाव होने हैं तो ये जानना बेहद जरूरी। तो चलिए आज सबसे पहले हरियाणा का सियासी इतिहास आपको बताते हैं। पहले हरियाणा नहीं था, पंजाब प्रांत एक हुआ करता था और हरियाणा के गठन के बाद अब तक 13 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और लगभग हर चुनाव में हरियाणा की राजनीति का केंद्र हमेशा से जल, जाट और जमीन रही है। इन्हीं तीन मुद्दों पर सियासत की बिसात बिछती रही है और सत्ताएं बदलती रही है। एक बार फिर हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं और हरियाणा के गठन के बाद यह 14वीं बार होगा जब प्रदेश की जनता अपने नए नेता का चुनाव करेगी। तो एक नंबर, 1966 को पंजाब से हरियाणा का जन्म हुआ। उस समय हरियाणा विधानसभा में सिर्फ 54 सीटें हुआ करती थी जिसमें 10 अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित थी। 1967 में विधानसभा की संख्या बढ़कर 81 हुई और 1977 में यह संख्या 90 तक पहुंची। बता दें कि जिसमें 17 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रखी गई थी। तो बता दें कि 1 नवंबर 1966 जब हरियाणा का गठन हुआ, तब से लेकर मार्च 1967 यानी कि करीब 5 महीने पहले मुख्यमंत्री के रूप में भगवत दयाल शर्मा ने हरियाणा की इमारत खड़ी की। पंडित जी के नाम से मशहूर भगवत दयाल शर्मा ने गरीब मजदूरों के लिए कई काम किए। इसके बाद बताएं आपको कि 1 मई 1967 से 20 नवंबर 1967 यानी करीब 7 महीने तक राव वीरेंद्र सिंह ने हरियाणा को मुख्यमंत्री के रूप में आगे बढ़ाया। राव वीरेंद्र सिंह अग्रवाल के ऐसे ताकतवर नेता थे जिन्होंने पहली बार अपनी नई पार्टी बनाई और जीतकर विधानसभा पहुंचे और विधायक दल के बल पर दूसरे मुख्यमंत्री बने। आज भी राव वीरेंद्र सिंह के नाम पर सियासी विरासत राव इंद्रजीत संभाल रहे हैं। उसके बाद 1968 से लेकर 1975 तक हरियाणा में बंसीलाल का राज आया। कहावत है हरियाणा के तीन लाल, बंसीलाल, भजनलाल और देवीलाल। अब चौथे लाल भी जुड़ चुके हैं, जी हां, जो हैं मनोहर लाल। इन लालों में पहले मुख्यमंत्री थे बंसीलाल। उसके बाद करीब 1.5 साल तक बनारसी दास गुप्ता हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। 77 में हरियाणा में देवीलाल का राज आया। 77 से 79 तक देवीलाल चौटाला ने हरियाणा को संभाला। उसके बाद भजनलाल के हाथों में प्रदेश की बागडोर सौंप दी गई। तो 1979 से 82 तक भजनलाल ने हरियाणा पर राज किया। 82 में फिर विधानसभा चुनाव हुआ और भजनलाल को सत्ता की कुर्सी मिली, लेकिन फिर 5 साल तक भजनलाल मुख्यमंत्री के रूप में नहीं टिक पाए। तो आखिरी साल में बंसीलाल को सीएम बनाया गया। 87 से 90 तक देवीलाल फिर सत्ता में लौटे। उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला को विरासत के रूप में सत्ता मिली।
हालांकि बात 1990 की करें तो फिर से बनारसी दास गुप्ता को मौका मिला, लेकिन 2 महीने के लिए। तो महज 2 महीने के बाद कई बार उलटफेर हुआ, कभी ओम प्रकाश चौटाला तो कभी हुकुम से सीएम बने। तो 1990 का दौर हरियाणा के सियासी इतिहास में बहुत उलटफेर वाला रहा, लेकिन 2000 के बाद सियासत ने करवट ली। ओपी चौटाला को सत्ता मिली, सरकार 5 साल चली, लेकिन कई आरोपों में सरकार घिर गई, लोगों का मन बदलने लगा और फिर जनता ने सत्ता हुड्डा को सौंप दी। बता दें कि यह दौर हरियाणा में भारी उतार चढ़ाव का था, इनेलो का वर्चस्व प्रदेश में देखने को मिल रहा था, कांग्रेस बैकफुट पर थी, लेकिन एक ही साल बाद 1991 में जनता ने फिर कांग्रेस पर भरोसा जताया और पूरे 5 साल के लिए सत्ता भजनलाल के हाथों में सौंप दी गई। तो पूरे 5 सालों तक प्रदेश में एक सीएम के रूप में भजनलाल टिके। 1996 में बंसीलाल सत्ता में आए, 3 साल तक शासन किया, फिर बहुमत के आधार पर ओपी चौटाला को सीएम बनने का मौका मिला। उस दौर में काम जो भी हुआ हो, लेकिन लोगों का रुझान एक बार फिर इनेलो और देवीलाल की नीतियों की ओर झुका। लिहाजा अब 2000 में चुनाव हुआ तो जनता ने इनेलो का साथ दिया। उस समय कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही थी, जबकि बीजेपी के साथ गठबंधन कर इनेलो मैदान में उतरी थी। उस समय बीजेपी का जनाधार हरियाणा में उतना नहीं था, गठबंधन के तहत भी 2000 में बीजेपी को 29 सीटें मिली, लेकिन सिर्फ 6 सीटें ही बीजेपी को मिली। इनेलो ने गठबंधन के तहत 61 सीटों पर चुनाव लड़ा और इन 61 में से 47 सीट जीतने में इनेलो, बता दें कि कामयाब रही, और कांग्रेस 21, 11 निर्दलीय विधायक बने और अन्य पार्टियों के खाते में भी कुछ कुछ सीटें आईं। तो पूर्ण बहुमत के साथ 5 साल तक ओम प्रकाश चौटाला की सरकार चली। लेकिन अब बताएं 2005 में क्या हुआ। 2005 में इनेलो का दबदबा खत्म हो चुका था, लोगों ने परिवर्तन का मन बनाया और इनेलो बीजेपी की हार हुई। अन्य पार्टियों का वर्चस्व पहले भी ना के बराबर ही था, कांग्रेस की महाविजय हुई, 90 सीटों में से 67 सीटों पर कांग्रेस विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे। इनेलो और बीजेपी इस बार अपने दम पर चुनाव लड़ रही थी। नतीजा यह हुआ कि इनेलो को 9 सीटें मिली और बीजेपी को 1। अब 2005 में क्या हुआ। 2005 में विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी इनेलो का गठबंधन टूट चुका था। कांग्रेस ने हविपा को विलय कर लिया और राज्य स्तरीय मुद्दों के साथ कांग्रेस ने सबको पछाड़ दिया। 2009 के चुनाव में सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा था, लेकिन कांग्रेस फिर बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 40 सीटें कांग्रेस के पास थी और उस समय कुलदीप बिश्नोई की पार्टी हजका के पास 6 सीटें थी, जिसमें से 5 विधायक हुड्डा को मिल गए और सरकार का गठन हुआ और फिर सत्ता में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वापसी हुई। बात 2005 की करेंगे। 2005 से लेकर 2014 तक हरियाणा में हुड्डा का राज रहा, लेकिन इस दौरान हुड्डा सरकार ने जितने विकास करवाए उससे कई ज्यादा आरोप के दाग लग गए। उसमें सबसे बड़ा दाग सीएलयू और मानेसर लैंड स्कैम का था, जिसकी सुनवाई के लिए हुड्डा आज भी कोर्ट के चक्कर लगाते नजर आते हैं। और यह भी एक वजह रही कि 2014 में हरियाणा को चौथा लाल यानी कि मनोहर लाल मिला, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। तो 10 सालों तक सत्ता में रहने के बाद कांग्रेस के लिए तीसरी बार चुनाव जीतना चुनौती से कम नहीं था।
2014 में मोदी लहर के पीछे पूरा देश चल पड़ा था। बीजेपी इस बार अकेले चुनाव मैदान में थी, कोई सीएम का चेहरा बीजेपी के पास नहीं था, लेकिन हुड्डा सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा था, रोष जरूर था। हर विभाग के कर्मचारी सड़क पर उतर आए थे और सरकार के खिलाफ विरोध जता रहे थे। लैंड स्कैम समेत कई ऐसे मामले थे जो हुड्डा सरकार की नींव हिलाने के लिए काफी थे। नतीजा वही हुआ, मोदी की लहर हरियाणा में ऐसी चली कि सभी पार्टियां सिकुड़ गई। पहली बार बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई। अब सवाल यही था कि पार्टी सीएम किसे बनाएगी, क्योंकि कई ऐसे बड़े नेता थे जो अन्य पार्टियों को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। चौधरी बीरेन्द्र सिंह जैसे नेताओं को सीएम बनने की इच्छा थी, मामले पर गंभीरता से सोचा जा रहा था, लेकिन आलाकमान ने बीच का ऐसा रास्ता निकाला कि सभी नेताओं की बोलती बंद हो गई। संघ के आशीर्वाद ने हरियाणा को सीएम के रूप में चौथा लाल दिया और मनोहर लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। मनोहर लाल ने अपने दौर में समान विकास का नारा दिया, हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा भी उन्होंने दिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी बड़ी योजनाओं जिनमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी शामिल है, ऐसी अहम योजनाओं की शुरुआत हरियाणा से की। कई खामियों के बावजूद भी मनोहर सरकार अपनी छवि बचाने में कामयाब रही। फिर नतीजा यह हुआ कि निगम, पंचायत उपचुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव में भी पहले से बेहतर प्रदर्शन हुआ। इधर विपक्ष टूटने लगा, इनेलो में दो फाड़ बीजेपी को बूस्टर दे गए, तो कांग्रेस में गुटबाजी ने बीजेपी की राह और ज्यादा आसान कर दी। प्रदेश में बीजेपी को आगे ले जाने की कमान संभाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल और आगे बढ़ते गए और बीजेपी जीतती गई। अन्य पार्टियों के कई बड़े नेता बीजेपी में जुड़ते चले गए, कई विधायक, कई पूर्व सांसद, कई नए चेहरे जिन्होंने अन्य पार्टियों से लोकसभा में अपनी किस्मत आजमाई थी। अब सरकार चुनावी साल के अंतिम दौर में, सत्ता में वापसी की पूरी उम्मीद भी है, तो इस बार सरकार मिशन 75 का टारगेट लेकर मेहनत कर रही है और मैदान में उतर चुकी है। मुक्त भारत तो कहता हूं भ्रष्टाचार मुक्त भारत। आज हरियाणा मनोहर जी के नेतृत्व में मोदी जी के आशीर्वाद से भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा हो चुका है, इसको हमको समझने की जरूरत है। जो जोश उनमें मैं देख रहा हूं, मैं कह सकता हूं कि आप 75 प्लस से अधिक आएंगे इस तरीके का वातावरण देख। हालांकि सरकार के सामने कई चुनौतियां भी, लेकिन मनोबल ऊंचा है। अब 2019 जीतकर साख बचाने में बीजेपी जुटी है, कांग्रेस के लिए चुनौती आज भी है। सत्ता में वापसी करना बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि कांग्रेस के कुनबे में गुटबाजी की लहर चल रही है, इनेलो में कोई बचा नहीं है, जेजेपी जनाधार बनाने में जुटी है, तो आम आदमी पार्टी सहारा ढूंढ रही है। देश में बीजेपी का नारा था नमो अगेन और मोदी की सरकार दोबारा सत्ता में आई। इस वक्त हरियाणा में बीजेपी कुछ इसी तर्ज पर नारा दे रही है, मनो अगेन यानी मनोहर लाल दोबारा। बीजेपी को पूरा भरोसा है कि इस बार यह नारा साकार होगा, क्योंकि इस वक्त हरियाणा की सियासत में मानो भूचाल आया हुआ है। सभी पार्टी अपनी साख बचाने में जुटी हुई है और बीजेपी खुद को बाहुबली समझने से कोई गुरेज नहीं कर रही है। टारगेट 75 सीट का है। तो पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव, उपचुनाव और लोकसभा में जीत से जहां बीजेपी उत्साहित है, वहीं अन्य दलों के नेता भी इस चीज को भांप चुके हैं। यही कारण है कि आज बीजेपी में शामिल होने की होड़ नेताओं में लगी है। पार्टी वसीयत का बंटवारा कर चुकी इनेलो पहले से ही हाशिए पर है और अब 5 विधायक भी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा कई ऐसे बड़े नेता हैं
जो फूलवालों की सैर पर निकल चुके हैं। हालांकि इनेलो मान रही है कि स्वार्थ साधने के लिए ये नेता सत्ता के साथ जा रहे हैं। बता दें कि इनेलो के 5 विधायक, 1 राज्यसभा सांसद, 7 पूर्व विधायक और मंत्री बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जिनमें बिखर रही इनेलो और कमल खिल रहा है। बीजेपी में शामिल इनेलो विधायक रणबीर गंगवा, विधायक नलवा केहर सिंह रावत, विधायक हथीन बलवान सिंह दौलतपुरिया और विधायक फतेहाबाद जाकिर हुसैन, विधायक नूह परमिंदर ढूल, विधायक जुलाना और बता दें आपको कि बीजेपी में शामिल इनेलो नेता रामकुमार कश्यप राज्यसभा सांसद, गोपीचंद गहलोत पूर्व डिप्टी स्पीकर, राजबीर सिंह मुलाना के पूर्व विधायक, बूटा सिंह गुलाचीका के पूर्व विधायक, पवन रावत फरीदाबाद जिला महामंत्री शामिल है। बता दें कि इनके अलावा भी जिलाध्यक्ष और ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो पहले चुनाव लड़ चुके हैं। तो कुल मिलाकर 46 में से 21 नेता अकेले इनेलो से नाता तोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो आज इनेलो का कुनबा बिखर रहा है, लेकिन हरियाणा की सियासत में एक वक्त ऐसा था जब इनेलो की तूती बोलती थी। समय समय की बात है, लोकसभा चुनाव में पहले परिवार में कलह हुआ, फिर पार्टी टूट गई। अब विधायक चश्मा उतारकर फूलवालों के साथ जा रहे हैं। इसी का नतीजा है कि दूसरे नंबर की पार्टी को अपने अस्तित्व बेचने के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है। तो अपना अस्तित्व बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही इनेलो प्रदेश में सत्ता के सिंहासन पर विराजमान होने से लेकर देश के उप प्रधानमंत्री का सफर तय करने वाले चौधरी देवीलाल ने इनेलो की नींव रखी थी। देवीलाल ने किसान कमेरों के हितों में ऐसा काम किया कि उन्हें जनता ने ताऊ की उपाधि दी। बता दें कि देवीलाल की सियासी विरासत को संभालते हुए ओम प्रकाश चौटाला 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, लेकिन किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि इनेलो को अपने अस्तित्व बचाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। देवीलाल की चौथी पीढ़ी के कदम रखते ही यह पार्टी टूट गई और अब पूरी तरह से बिखराव की ओर अग्रसर है। इनेलो ने पहले भी बुरे दौर देखे, लेकिन इस वक्त सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। इनेलो का के दिन अब खत्म होते दिखाई दे रहे हैं। इनेलो के 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। मेवात के विधायक नसीम अहमद कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं, वहीं 4 विधायक जेजेपी के पाले में चले गए हैं। 2014 में इनेलो को 19 सीटें मिलने के चलते अभय चौटाला नेता प्रतिपक्ष बने थे, लेकिन 2019 आते आते इनेलो के जींद से विधायक हरिचंद मिढा और पिहोवा जसविंदर संधू की मौत हो गई। इसके बाद इनेलो के 2 थड़ों में बटने के बाद पार्टी के विधायक नैना चौटाला, विधायक पिर्थी नंबरदार, अनूप धानक,
राजबीर फोगाट पार्टी से अलग हो गए। इसका नतीजा है कि हरियाणा में दूसरे नंबर की रही पार्टी से विधानसभा में विपक्ष का पद भी छिन गया। हालांकि फायदा जेजेपी को भी कुछ नहीं हुआ। जींद उपचुनाव में भले ही पार्टी दूसरे नंबर पर रही, लेकिन लोकसभा चुनाव में जेजेपी के भी सारे दावे फेल हो गए। लोकसभा चुनाव से एन पहले इनेलो के दो फाड़ का नतीजा था कि इनेलो और जेजेपी एक भी संसदीय सीट नहीं जीत सके। बात कांग्रेस की करें तो इस वक्त कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है। ये गुटबाजी आज से बल्कि सालों से चलती आ रही है। हुड्डा की गोहाना से इसका बीज बोया गया और दिल्ली में तवर पर कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए हमले के बाद फूट खुलकर सामने आ गए। दो गुट बना, तवर गुट और हुड्डा गुट। लेकिन अब कई गुट बन चुके हैं जो 2019 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को रोकने के लिए अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं या फिर बीजेपी को जिताने की कोशिश, ये कहना मुश्किल है। आज इस मौजूदा सरकार के खिलाफ है तो उसके लिए कैसे इसको उखाड़ के फेंकना है, उसके लिए रणनीति बनाई गई है। और 18 तारीख को रोहतक में परिवर्तन के नाम परिवर्तन महारैली होगी और उसकी तैयारी के लिए 4 तारीख को रोहतक नई अनाज मंडी में वर्कर मीटिंग होगी। ये फैसला किया है कि 18 तारीख को इस सरकार को इस परिवर्तन कैसे लाएंगे और इस भाजपा को उखाड़ के फेंकने की रणनीति तैयार करेंगे और वहाँ से उस दिन श्री गणेश किया जाएगा। सर, पार्टी नेतृत्व में बदला वो तो हाईकमांड फैसला करेगा, हमने तो प्रस्ताव पास करके दे रखा है। ठीक है, क्योंकि अगर आज ये सरकार जो है जो इतनी विफल सरकार है उसके साथ हमारा संगठन कमजोरी से लड़ा है, इस बात के बिना हमारे संगठन को ताकतवर से लड़ने चाहिए और ये इसी वास्ते तो परिवर्तन रैली हम ला रहे हैं ताकि सरकार को उखाड़ के फेंके। मुद्दे ही मुद्दे हैं। आज किसान की हालत देखो, कानून व्यवस्था देखो, गरीब आदमी की परिस्थिति देखो, कर्मचारी देखो, हर बार की सरकार से नाराज है। हालांकि जाट और खापों के वर्चस्व वाले इस प्रदेश में अब बात मुद्दों की भी होती है। जातीय समीकरण का दबदबा भी है लेकिन लोग विकास के लिए वोट भी करते दिखाई दे रहे हैं, भले विकास दिखे या ना दिखे। अब 2019 विधानसभा चुनाव का समीकरण क्या बनता है ये धीरे धीरे पता चलेगा। आज हमारे इस खास पेशकश में इतना है, लेकिन आप बने रहिए लिविंग इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।